पण एका वेगात चोरटी धाव पूर्ण करताना धावसंख्येत आपण पाहतोय धावसंख्या 19-4 बाद तर 22 आपल्या माहितीसाठी नाणेफेकचा कॉल आपण पाहतोय जयदुर्गा या संघाने जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय बिलकुल सुनील पवार सुबह के सत्र में टॉस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और इम्पोर्टेंट टॉस जयदुर्गा ने जीता है हालांकि पायनियर के पास काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है लेकिन चार बड़े झटके लगे आशीर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है मतीन वहां पे मौजूद है और आज मतीन को अपना 100% देना होगा अगर पायनियर को एक अच्छा टोटल रखना है क्योंकि जयदुर्गा घरेलू साइड है अगदी बरोबर कारण की पाहतोय आपण आपल्या होम ग्राउंडवर जयदुर्गा संघ एका चांगल्या स्थितीमध्ये इथपर्यंत जर बघितलं आपण हरिकेश याचा पुढचा चेंडू यासपदा चांगला चेंडू होता पण तेवढा छान असा आपल्या फटका दोघांचा एक ठरू शकतोय मात्र व्यवस्थितपणे चेंडूला गॅदर करता आलं नाही हमारे बीच BC4 के चेयरपर्सन अल्ताफ बाली जी का आगमन हो चुका है अल्ताफ बाली सर आपका हार्दिक स्वागत है रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 में ओवर समाप्त होते हुए दो कुल स्कोर है 19 रन 6 षटकाचा सामना है पहिल्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर पाहतोय पण पवनीर संघाची धावसंख्या 4 बाद 19 आणि पुढच्या 2 षटकामध्ये आपण ऐकूया एक बुलंद आवाज सिद्दीक भावे सरांना आपण थँक्यू सुनील पवार एंड ऑफ द सेकंड ओवर पायनियर 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 इम्पॉर्टंट विकेट लार्ज बैटिंग टू फॉलो पायनियर एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन रोटरी क्लब रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 नेक्स्ट मैच समायरा स्पोर्ट मीट SP दापोडे Yes, two good player on the pitch. Lot of depend on Mateen. Mahesh Chavan brought into the attack. Facing him batsman Mateen. Mateen on 10, help of 2 boundaries. Asir yet open his account. Today is the first match you are watching. The morning session match between Pioneer and Jayadurga. This time, slog sweep in the gap. Equally stopped from the fielder. This is the good cricket. What a magnificent drive from Mateen, but equally stopped from the fielder in deep. So one more to total now. His score was up to 20 for the loss of 4 wicket. Remind you, Jayadurga won the toss, they decided to the field first. Mahesh Chavan. This time, edging dash ball, try to try in front of it, the wicket. Ball is taken thick edge of the bat, rose to short third man. पूर्णपणे चार्ज झालेले आहे जयदुर्गा संघ ज्या प्रकारचा गोलंदाजीचा जो अटॅक आहे जगदीश नाईक यांच्या आपण पाहतोय पेरण्याखाली आपण पाहतो गोलंदाजी करताना गोलंदाज पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी दुसऱ्या षटकामध्ये आणि तिसरा षटक देखील चांगला पाहायला मिळतोय महेश चव्हाण अप टू द विकेट नाउ बॉस दिस टाइम आशीर यूज हिज फीट टकिंग ऑन द ऑन साइड टू डीप वाइडिश मिड विकेट इनफ टाइम बॅट्समॅन गेट्स वन सो वन मोर टू टोटल नाउ स्कोर मोज अप टू पायनियर 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आय थिंक The first over in favor of Jayadurga, but remember, Pioneer have one of the killer streak team. Agdi barabara shivat paranda phalanda ja ahe. Tushar Naika, Jayadurga Sangha sathi shubhechha dete hai. Aplo manasvi hardik swagat hai, Tushar. And there we watch Mahesh Chavan. Bostu Mateen uses feet up firmly Treman. There's the fielder trembling in deep. Enough time batsman gets two. So two more to total now. His score was up to 23 for the loss of 4 wicket. Bagitla halkasa shatrakshan appa bagitla miss speed zala hota. Mahesh Chavan. Bostu Mateen this time delicate played, pushed as ball to deep point
enough time batsman gets one. So one more to total now. Pioneer moves up to 24 for the loss of 4 wickets. Welcome, Agman Jalil Ahe. माननीय श्री राजाराम पाटील साहेब आपल्याला विनंती करतो व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. तसेच या ठिकाणी आगमन झालंय नरेश जी तरे. आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. ओव्हर टू संदेश. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. दिस टाइम बॉल इज कीपिंग लो. क्रॉस बॅटेड इज स्ट्रोक. बी सीम आउट साइड डी ऑफ स्टंप. डेट मार्क्स एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. पायनियर लुजिंग अ टॉस बॅटिंग फर्स्ट इयर. हिज स्कोर इज 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. तीन ओव्हर की समाप्ती. 24 रन पायनियर ने बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे. संदेश क्या लगता है आपको कि 6 ओवर में पायनियर कितना टोटल बनाए जहां पर घरेलू टीम जयदुर्गा को चुनौती पेश करे. अगदी बरोबर सिद्दीक भाभे सर. 60 ते 65 धावा इथून बघाव लागतील पायनियर स्पोर्ट्स संघाला. कारण की जयदुर्गा संघामध्ये ज्या प्रकारे प्रेम हरिकेश आणि जगदीश नाईक असे फलंदाज सज्ज आहेत आणि महेश चव्हाण निश्चित 60 ते 65 धावा करावे लागतील पायनियर स्पोर्ट्स संघाला. पॉइनर्स पर संघाचा विचार केला सिद्दीक भाभे सर तर चांगली गोलंदाजी देखील आहे पॉइनर्स संघाकडे आणि 101 बडकर ऑलराउंडर देखील आहेत. देखना है कि आने वाले बल्लेबाजों में आउट होने वाले जो बैट्समैन थे उसमें साहिबान फक्की एक रन बनाकर जावेद ने खाता नहीं खोला. दानिश खोद भी आज नहीं चले. एक चौका लगा के आउट हुए और जुल्फिकार ने भी सिर्फ 4 रन बनाए. मतीन खेल रहे हैं 13 रन पर. आशीर 1 रन बना के खेल रहे हैं. गेंदबाजी में परिवर्तन. प्रेम को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. पहली गेंद स्लॉग स्वीप. गेंद मैदान के बाहर 6 रन. मतीन ब्रांडेड शॉट देख रहे हैं हम. अगदी बरोबर ब्रँडेड फटक्यामध्ये माहिर आहे मतीन आणि षटकार उचल करतोय. आपल्या पायाला मिळतोय. आता मात्र धावसंख्या एक चांगल्या स्थितीमध्ये पायाला मिळतोय. 30 धावा धावपळ करावं लागत आहेत. आमचे जे मिड विकेट क्षेत्रामध्ये जे क्षेत्ररक्षक आहेत त्याच्या बाजूला जे प्रेक्षक बसलेले आहेत तिथून आपण उठायचं जालीवरून. जे आमचे बॅनर आहे तिथे पब्लिक बसलेले आहे. प्लीज आपण स्टँडमध्ये बसायचंय. आमचे ओलेंटर्स आपण तिथे जायचं लगेच. 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है पायनियर का. 30 रन. या इनिंग मध्ये आपण बघतो सिद्दीक भाभे सर पहिला षटकार आहे. या ठिकाणी आगमन होत आहे अनिल बंधुतरे. आपला हार्दिक स्वागत आहे. आपण व्यासपीठावर म्हणायचं आहे सुस्वागतम सुस्वागतम. स्कोर है 30 रन. आज के मैचेस की रूपरेखा हमारे बीच BC4 के चेयरपर्सन और सरपंच खूनी खाड़ी पर ग्राम पंचायत अल्ताफ बाली सर का आगमन हो चुका है. आपका हार्दिक स्वागत है. और बाली सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी VIP मंच पे आना है. बबन पाटिल फैम टीम समारा स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. और SP दापोडे आपण पाहतो थोडासा खेळ जो आहे थांबलेला आहे चेंडूचा आकाराने. निश्चितच आपण विचार केला सिद्दीक भाभे सर अजूनही खूप मोठी फलंदाजी आहे पॉइनियर संघाकडे. नाही तो नाही बोलना चाहिए की पॉइनियर एक ऐसी टीम है धनेश कुकसे के बाद जिसने लगभग 2 टूर्नामेंट को निकाल दे तो सभी सेमीफाइनल खेले. और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ की पहले टूर्नामेंट की रनर्स है. 2 टूर्नामेंट की मातोश्री कप की रनर्स टीम है. अगदी बरोबर. आणि याच ग्राउंड वर JB कप मध्ये देखील रनर्स ठरली होती आणि चांगला परफॉर्मन्स झाला होता. इथून मात्र 60 ते 65 धावा बनवण्याचा एक प्रयत्न असेल. देखिए जयदुर्गा के लिए बहुत अच्छा मौका है. हालांकि जयदुर्गा का जो परफॉर्मेंस है उतना ऊंचा नहीं रहा इस सीजन में. लेकिन ये अच्छा मौका है कि यहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं जिस तरह युतिका ने शुरुआत की MJ ट्रॉफी से.
देखना है गेंद के आकार को लेकर मैच रुका हुआ है, मतीन अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, मतीन खेल रहे हैं 20 रन बना के, ये बहुत सही समय है मतीन के लिए। पिछले साल इस बैट्समैन ने 800 के ऊपर रन बनाए थे पूरे सीजन में। अगदी बरोबर सिद्दीक भाभे सर, आणि जो फॉर्म होता मागच्या सीजन मध्ये खूप डेंजरस मतीनेचा, आणि देखिए क्लास परमानेंट है और मतीन ने इस सिचुएशन में हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की। आज पायनियर को उनके बल्लेबाजी की जरूरत है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। अगदी बरोबर, निश्चितच एक मोठा बिग शो झाला होता। रतन बुवा मध्ये देखील चांगला परफॉर्मन्स, 42 धावांची जी पारी केली होती आपल्या संघासाठी, तिथूनच तो संघ जिंकला होता सिद्दीक भाभे सर, हे देखील विसरून चालणार नाही। त्यावेळी 6 विकेट पडले होते आणि मतीन खेळपट्टीवर सज्ज असताना। यस, और जगदीश नाईक चाहेंगे कि मतीन को जल्दी आउट किया जाए और पायनियर चाहेंगे कि मतीन 6 ओवर तक मार आहे। अगदी बरोबर सिद्दीक भाभे सर, मात्र एक मौका मिळाला होता जगदीश नाईक याला, मात्र थोडासा क्षेत्ररक्षण मध्ये थोडासा चूक झाली होती जगदीश नाईक याच्याकडून, आणि त्याचं कारण आपण पाहतोय मतीन अजूनही खेळपट्टीवर सज्ज आहे, 20 धावांवर खेळत आहे खेळपट्टीवर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज पायनियर के ऋषि पटेल उनके सुपर डिपर ऑलराउंडर टीम में शामिल है, तो पायनियर के बैट्समैन को पता है कि क्या लक्ष्य रखना है। दो अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद, खेल की शुरुआत होती भी स्कोर 30 रन, प्रेम का सामना करेंगे मतीन। लेफ्ट आर्म ओ राइट आर्म राउंड विकेट स्लॉग स्वीप, ये जाएंगे मैदान के बाहर 6 रन। क्या बल्लेबाजी अब शुरू कर दी है मतीन ने, इसीलिए मैं उन्हें मैन ऑफ क्राइसिस कहता हूं। और एक बात कहूंगा, ये बैट्समैन अगर फॉर्म में आ गए तो फिर तालुका क्रिकेट की गेंदबाजों की नींदें उड़ सकती है। अगदी बरोबर, अतिशय सुंदर असा फटका बैट मध्ये आपण पाहतोय मतीनेचा, आणि जिथे 3 षटकांमध्ये सिद्दीक भावे सर चांगली सुरुवात आपण म्हणालो होते जयदुर्गा संघाची, तिथे पाणी फिरताना आपल्या पाया मिळते प्रेम। ऐसा नाही की मतीन ने अच्छी बल्लेबाजी नाही की, एक तर ट्रॉफी पडगा में बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन मतीन का जो क्लास है जिसके लिए वो मशहूर है, जिसके लिए पिछले साल उन्होंने 800 रन बनाए थे, वो क्लास अब ये मैच में लग रहा है। इस मरतबा झाड़ू स्ट्रोक स्वीप किया गेंद को स्क्वायर लेग डीप में 1 रन, क्योंकि संदेश आप देखिए पूरा क्रिकेट आपने भी एनालाइज किया है, क्लास कभी भी नहीं मरता है। समारा स्पोर्ट्स के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए और एसपी दापोडे। इस मरतबा दूर रखा था वहां पर वाइट, भिवंडी के डीकॉक माजिद बोबड़े ने ऑल द बेस्ट कहा है पायनियर को। इस मरतबा बैकलीफ को ऊंचा नहीं कर पाए, गेंद आउटफील्ड में पहुंची, लुढ़क कर 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर 39 रनों पे पहुंचा है 39। इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश ऑफिस टर्म के बाहर से, लेग बाय का इशारा, 40 पे पहुंचा स्कोर। देखिए 2 ओवर बचे हैं और मतीन की निगाह जम चुकी है, यहां से जगदीश नाईक के पास काफी एक्सपीरियंस है, वो किस तरह रोकेंगे देखने वाली बात रहेंगी। अगदी बरोबर सिद्दीक भाभे सर, छोटी गेंद पुल करने की कोशिश, खराब शॉट सिलेक्शन, बल्ले के नीचे से निकल गई थी, ओवर समाप्त होते हुए 4 स्कोर है 40 रन, विकेट गिरी है 4। स्लॉग ओवर का खेल बाकी है और क्या टिप्पणी है मेरे साथी कमेंटेटर संदेश की, 4 ओवर 40 रन 4 विकेट, 4-4-4-4। अगदी बरोबर सिद्दीक भाभे सर, 10 सरासरी प्रत्येक षटकामध्ये पाहायला मिळतोय, अजूनही येणारे 2 षटक असणार आहेत याच्यामध्ये सर सिद्दीक भाभे सर, 20-25 धावा देखील मिळाल तर एक चांगली टेस्टिंग होईल जयदुर्गा संघाची। एक और बात है की मुनाफ ने इस ग्राउंड से जो शुरुआत की थी, आपको तो पता है विवेक शेलार के सामने 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाए थे, तो ये ग्राउंड पे आने वाले बल्लेबाजों में मुनाफ है, ऋषि पटेल है, बैटिंग अभी भी बहुत बाकी है, फुरकान है,
लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आप मतीन और अशीर पे। फाइक का आना बाकी है, एवर हिट बैट्समैन, पिछले साल से इस साल तक अगर कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं भावेश पवार फाइक जो लगातार हर सीजन में अच्छा परफॉर्म कर रहे। अगदी बरोबर आणि 100% निश्चित दिलेला आहे। गेंदबाजी में हरिकेश, पहली गेंद सीधा लॉफ, गेंद जाएगी स्टैंड में 6 रन। क्या शॉट खेला है मतीन ने, सुबह के मूड को बनाता हुआ स्ट्रोक। क्या कहेंगे संदेश, जिस तरह का तो सिख जड़ा है अब सिद्दीक बाबे सर, यहां से अब रन बनने शुरू होते हुए पॉइंटर के लिए, खासतौर पर मयूर मतीन बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। गफूर शेख ने मतीन मुनाफ को और हुसैन राजस्थानी ने भी मतीन मुनाफ को ऑल द बेस्ट कहा है। राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ टर्न करते हुए पैरों के सामने आउटफील्ड में मतीन, 1 रन बनता हुआ। सैतालीस पे पहुंचा है स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पे, 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। हरिकेश राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा ड्राइव किया है कारपेट के सारे आउटफील्ड में, क्या कॉलिंग है और बच गए वहां पर आशीर। देखिए दूसरे के लिए आशीर तैयार नहीं थे, मतीन की तारीफ करना होगी, बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं मतीन, जयेश पाटिल, कई नाम है अजय भुईर। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पॉइनियर का 49 रन। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए, ओहो फ्लिक और 6 रन, बूम बूम शॉट। इस वक्त फरजान अब्दुल्ले ने सऊदी अरबिया से पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। फरजान आपका इस्तकबाल है इस रोटरी प्रेसिडेंट कप में। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है पॉइनियर का 55 रनों पर। देखिए पायनियर खेल रही है और बाली ट्रॉफी के जो फॉर्म सबमिट की लास्ट डेट है 15 जनवरी है, 24 को लौट रहेगा सिकंदर फक्की हॉल में, इसलिए जो बड़ी टीमें अभी तक पहुंची नहीं, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ना कि पायनियर कर रही है ना कि अल्ताफ बाली कर रहे। अगदी बराबर, कि अपने फॉर्म सबमिट करे, नहीं तो देर ना हो जाए आप हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट से वंचित हो जाएंगे। हरिकेश राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए, इस मरतबा स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, बल्ले के अंदर गेंद लगी, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गई, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 56 पे पहुंचा स्कोर, बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। मतीन कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कुल मिलाकर, ये देखिए किस तरह से बहुत खूबसूरत रिप्ले। 34 पे इस मरतबा मतीन ने गेंद को आसमान में तान दिया है ड्राइविंग लेन से पहले और मतीन आउट, लेकिन अच्छे संकेत पॉइनियर के लिए कि मतीन फॉर्म में वापस आ चुके हैं। 34 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेलने के बाद आउट हो गए मतीन। अगदी बरोबर, 34 धावा आपल्या संघासाठी एक चांगली घातक पारी आपल्याला पाहायला मिळाली मतीन याची, आणि मतीन फॉर्म मध्ये येणं म्हणजे पॉइंटर संघासाठी चांगली बाब आहे। इथून आता मात्र गोलंदाजा शेवटच्या षटकामध्ये एक चांगली मेहनत करावी लागेल सिद्दीक बाबे सर, कारण धावांचा विचार केला तर 56 धावा धावपळकर लागलेले आहेत। नए बॅट्समॅन फाईक
एवर हिट प्लेयर ऑफ पायनियर। पायनियर के हमेशा सदाबहार क्रिकेटर फाइक अंसारी बल्लेबाजी को जा रहे। ये वो बैट्समैन है, सिचुएशन कुछ भी रहे ये अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं। इसीलिए तो मैं पिछले साल तक कहता था कि दो ही खिलाड़ी हैं जो जान हथेली पे लेकर बल्लेबाजी करते हैं, पहले तो भावेश पवार और दूसरे फाइक अंसारी। अगदी बरोबर, ये दोन मोरे जे आहेत निश्चितच फोकस झालेले आहेत या वर्षी देखील, आणि ज्या प्रकारचा परफॉर्मन्स चालू आहे निश्चितच भावेश पवार यांनी तर 100% दिलेला आहे, आणि चॅम्पियन टीम नंबर वन टीम आहे धनेश लिओन कुकचे संघ आपण पाहतोय। सही, चॅम्पियन आप ऐसे नहीं बनते, आपके तमाम खिलाड़ी चॅम्पियन जब रहते हैं ये चॅम्पियन परफॉर्मन्स करते। देखिए आपकी टीम कागज पे कितनी मजबूत है ये अलग बात है, ग्राउंड में कितनी मजबूत है ये इम्पोर्टेंट है। गेंदबाजी के लिए हरेश को बुलाया गया है, 5 ओवर 56 रन। पायनियर 10 के ऊपर देखना चाहेंगी, जय दुर्गा चाहेंगी कि 10 के अंदर रन बने। सुपर फ्राइडे में सुपर मुकाबला आप देख रहे हैं। हरेश अशीर को गेंद को ड्राइव किया हवा में, फील्डर से दूर, पहले बाउंस पे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये देखते हुए कि लॉन्ग ऑफ सीधा खड़ा है, अपने आप को रूम दिया था, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन। आता मात्र एक चांगला टोटल पाया मिलते सिद्दीक भाबे से, 60 धावा धावपळका लगता है। आणि जो शॉर्ट सिलेक्शन केला होता ये पाहू शकता आपण, साइड आर्म चेंज होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर देखील चालला होता, आणि एक क्लास शॉट पाहायला मिळतोय कर्णधार यासिर याच्या बॅट मधून। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, अच्छी गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी, टिप्पा खाने के बाद क्रीज के कोने से गेंद को किया था। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा लिफ्ट कर दिया सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में, आउट हो गए अशीर, कोई गलती नहीं की सागर ने। पुनः एकदा एक विकेट प्राप्त करताना गोलंदाज वापसी करते, गोलंदाज हरेश आपल्याला पाहायला मिळते, आणि आउट होण्यापूर्वी एक चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली। नए बैट्समैन बूम बूम मुनाफ शेख आए हैं। फाइक ने जेबी कप में कमाल की बल्लेबाजी की थी और आपको तो पता है गैसुद्दीन को 4 पे 4 दे डाले थे। अगदी बरोबर सिद्दीक भाबे सर, नवीन वर्षाचा तोहफा दिला होता गैसुद्दीनला। अशफाक पनमिलकर हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 60 रन, 3 गेंदे। बहुत बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, कवर ड्राइव लगाना चाहते थे बीट वे। हरीश को देखिए कद छोटा है लेकिन गेंद में रफ्तार बहुत है, और ये देखिए क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइड यॉर्कर थी जिसे समझ ही नहीं पाए बैट्समैन। अगदी बरोबर, ऑफ स्टंप और चेंडू था सरल, आप पाते इष्ट रक्षक रवि याच्या हाथ में जातोय निर्धाव चेंडू। 2 गेंदे बची है, इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, चाइनीज कट, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, रन पूरा किया, जोखिम भरा। 61 रन, कमाल की गेंदबाजी, 5 रन अब तक दिए हैं एक चौका लगने के बाद भी। अगदी बरोबर, पहले चेंडूर एक चौका वसूल के लिए था। इस गेंद पे बड़े स्ट्रोक की पायनियर को सख्त जरूरत है, और जय दुर्गा के कैप्टन जगदीश समझा रहे हैं हरेश को कि एक गेंद आप निकाल दे। अगदी बरोबर, हा जर डॉट झाला तर एक चांगला टार्गेट पाहायला मिळेल, तर एक षटकार लागला तर एक मोठा टार्गेट पाहायला मिळेल। देखना है बूम बूम मुनाफ शेख कोई बूम बूम शॉट खेलते हैं या नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बहुत तेज ड्राइव, आउटफील्ड में फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, तेज थ्रो, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, तो कुल मिलाकर पॉइनियर ने बनाए 63 रन, 64 रन की चुनौती। आइए
अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और टॉस करने के लिए इस वक्त मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार। दरम्यान या ठिकाणी आगमन होते नागरिक बँकेचे चेअरमन आदरणीय श्री गोरखनाथ जी म्हात्रे साहेब, आपला रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। एक चांगला लक्ष्य आहे पॉइंट संघाचा आपण पाहतोय, चांगली गोलंदाजी देखील आहे, मात्र जगदीश नाईक याला आता मात्र फॉर्म मध्ये येणं गरजेचं असेल, कारण की खूप मोठं आव्हान तर नाहीये सिद्धिक भाभे सर, विचार केला तर 64 धावांचं लक्ष आहे। खूप खूप धन्यवाद संदेश पाटील। दरम्यान मी विनंती करेन ऍडव्होकेट गोरखनाथ म्हात्रेजी साहेबांना की आपण सुद्धा यायचे, आणि तसेच BCA4 अध्यक्ष विद्यमान बालेसाहेब यांना सुद्धा विनंतीशील की यायचे। ऍडव्होकेट आदरणीय सन्माननीय गोरखनाथजी म्हात्रे साहेबांना सुद्धा विनंतीशील की आपण यायचंय। वेलकम पाहतोय आपण BCA4 अध्यक्ष आदरणीय अल्ताफ बाली साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करेन ऍडव्होकेट आदरणीय गोरखनाथजी म्हात्रे साहेबांना की आपण सुद्धा यायचंय टॉस बॉक्स मध्ये। वेलकम सुस्वागतम पाहतोय आपण निकित ऍडव्होकेट सन्माननीय गुरुनाथजी म्हात्रे साहेब यांच्या शुभास्ते आपण पाहतोय की हा नाणेफेक होईल, आणि त्यानंतर मात्र जो संघ नाणेफेक जिंकेल त्याला एका गिफ्ट हॅम्पर म्हणून अल्ताफ बाली साहेब यांच्या शुभास्ते तो गिफ्ट हॅम्पर आपण देणार आहोत। तर सर्वप्रथम नाणेफेक होताना SP दापडे विपक्ष आपण पाहतोय समर स्पोर्टर्स सरोली पाड्या दोन्ही संघादरम्यान। रोटरी क्लब अशी मागणी आहे आणि इथं मात्र नाणेफेक झालेली आहे, आणि मी त्यानंतर पाहतोय आपण की BCA4 अध्यक्ष सन्माननीय अल्ताफ बाली साहेब यांना विनंती करेन की आपल्या शुभास्ते आपण SP दापोड्या संघाचा संघनायक जे नाणेफेक जिंकले त्यांना गिफ्ट हॅम्पर देताना आपण पाहतोय। तर दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचंय। तर माझ्यासोबत इथं मात्र पाहतोय आपण की नाणेफेक जिंकलेले आहे SP दापोडे, म्हणजे सुपर पॉवर संघ आपण पाहतोय भिवंडी टेनिस क्रिकेटमध्ये। तर सर्वप्रथम नाणेफेक जिंकून काय निर्णय असेल समोर पाहतोय समर स्पोर्टर्स सरळी पाडे का चांगला दर्जेदार संघ आहे, 6 षटकाचा सामना आहे, आपण 6 षटकाच्या या खेळामध्ये समर स्पोर्टर्स संघाला किती धावच्या आतमध्ये रोखण्याचा आपला प्रयत्न असेल? 50 मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। SP दापोडे संघाकडे असा कुठला गोलंदाज असेल की त्यांच्याकडून या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरीची अपेक्षा असेल? अतिशय हिमांशु आहे, जीत आहे। एकच चर्चा आपण पाहतोय रोटरी क्लब भिवंडी ग्रामीण यांच्या माध्यमातून जो आपण ही ट्रॉफी पाहतोय कसं वाटलं, आणि खास या स्पर्धेचे शिल्पकार करेश म्हात्रे यांच्या माध्यमातून फुल एन्जॉय करता आपण या स्पर्धेसाठी? नक्कीच भव्य दिव्य असं आयोजन केलंय करेश म्हात्रे आणि ग्रुपने, छान वाटतंय खेळून। सर्वात महत्वाचा प्रश्न, जो संघ कायम होता की या अतिशय महत्वाच्या सामन्यामध्ये संघामध्ये काही परिवर्तन पाहायला मिळणार आहे? हो, आता मोठी टीम आहे समार स्पोर्ट म्हणल्यानंतर पूर्ण टीम आली, जे KM आणि सुनील गर्ग त्यांची वापसी होणार या सामन्यात, नक्कीच ऑल दी बेस्ट। तर निश्चित माझ्या समेत दिलीप पाटील एक नामवंत सर्च टेनिस स्टार क्रिकेटपटू आपल्या स्वतः संघाच कर्णधार। दिलीप, नाणेफेक अतिशय महत्वाची होती का सामन्याची? हा, सकाळचं वातावरण होतं त्या हिशोबामध्ये क्षेत्ररक्षण मिळालं असं चांगलं झालं असतं, पण आता मला बॅटिंग करायची तर त्या फोर्समध्ये आम्ही बॅटिंग करणार आहे। आणि जिथं प्रथम शतक्षण करायचं होतं पण उलट पाहतोय आपण की या खेळपट्टी जर विचार केला आपण सपाट खेळपट्टी आहे, पाहतोय खोरणी धाव अक्षर बनत आहेत, तर 6 षटकामध्ये काय दिमागात असं विचार केला की किती लक्षाचं आपण आव्हान ठेवण्याचा प्रयत्न करणार? समोरची टीम चांगली आहे, त्या पद्धतीने जाण्याचा विचार केला तर 70 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। आणि जिथं कसं वाटलं इथं खेळताना, आणि काय विचार असतील आपले करेश म्हात्रे यांनी जो एक टेनिस क्रिकेटचा एक मेगा शो आपण पाहतोय? खेळण्याचा विषय म्हणजे आता भादोड ग्राउंड जो आहे त्याला आता जवळजवळ आता चॅलेंजचा लुक सारखा होणार आहे एका येत्या 2-4 वर्षामध्ये, कारण का चांगले चांगले बिल्डिंग्स तिथे उभे राहतात, आणि विचार केला विकेटचा तर मातीची विकेट आहे आणि इथली विकेट जी आहे ही मातीचीच बनते,
आणि ते एक नावल्य आहे त्याची इथलं की चॅलेंज सारखी आता याची काँक्रीटची याची डांबरीची आहे त्याच्या पद्धतीने म्हणत नाही आहे आणि आमदार चषक झाला आता हा चषक झाला त्याच्यामुळे हा चांगलेच खेळण्याचा अनुभव आहे आम्हाला. शेवटचा प्रश्न, जो संघ कायम होता की महत्वाच्या सामन्यामध्ये काही संघामध्ये परिवर्तन पाहायला मिळणार? हा परिवर्तन म्हणजे आता मागच्या सामन्यामध्ये आवी पाटील नव्हता लेफ्ट हँड बॅट्समॅन आमचा आणि तो दोन प्लेअर नव्हते आमचे ते पण इन याच्यामध्ये होणार आहेत आणि चांगल्या पद्धतीने खेळून आम्ही चांगली मॅच टप देण्याचा प्रयत्न करून एस पी संघ हा मोठा आहे त्या हिशोबाने आम्ही खेळणार आहे. खूप खूप धन्यवाद दोन्ही संघांना. तर नाणेफेकीचा कॉल पत्र आपण एस पी दापोडे संघाने जिंकलेले आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण जाऊया आपण समालोचक कक्षामध्ये सिद्दीक भावे आणि संदीप पाटील संदेश पाटील सराकडे. बहुत बहुत धन्यवाद. हमसे जुड़ चुके कई जीनियस पर्सनैलिटी बीसी फोर के चेयरपर्सन और खोनी खारीपार ग्राम पंचायत के सम्मानीय सरपंच अल्ताफ अली सर, प्रिंस ऑफ भादवड़ थाना जिला युवा के अध्यक्ष प्रभुदास नाइक. पहली गेंद उसामा की फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, बल्ले के ऊपर लगी थी, हालांकि स्वंग करने की कोशिश की थी. थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट युवा सेना प्रभुदास नाइक द प्रिंस ऑफ भादवड़ ज्वाइंट विथ अस, अल्ताफ बाली सर बीसी फोर चेयरमैन ज्वाइंट विथ अस, दिनेश चौधरी ज्वाइंट विथ अस, वेलकम ऑल ऑफ यू, गौतम ठक्कर जी ज्वाइंट विथ अस एंड आनंद काटे ज्वाइंट विथ अस. उसामा Both this time drive, Apish Stock over the infield, couple of bounces cross the extra cover boundary for four. Delightful stroke played by Avi. अतिशय चांगली सुरुवात पाहायला मिळते जयदुर्गा संघाची आणि क्लासिकल ऑफ ड्रॉ आपण पाहतोय आणि एक चौकार उसूल करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. Yes, I think this is the terrific shot. Osama up to the batsman. Max Room I played firmly driven over goes the extra cover. Couple of bounces cross the boundary for four. So positive reply from Jay Durga, 5-4 wicket. They are playing in their home ground. Usama. Oh, this time I think drop and ball is racing all the way to the boundary for four. Lucky boundary to Avi. Usama is not happy there. Inside edge and just past the wicket keeper. अगदी बरोबर. आपण बघितला बॅटचा एक निचे चुंबन घेऊन चेंडू नोस्टा बाउंड्रीकडे गेला होता आणि खूप प्रयत्न केला होता जिलाने आणि ऋषी पटेल याने, मात्र आडू शकत नाही, चेंडू सीमेच्या बाहेर जातोय आणि एक चांगली सुरुवात सिद्दीक भावे सर आपल्या पाया मिळतोय. आस्किंग रन रेट 10.66 प्रत्येक षटकामागे ठेवायचा आहे जयदुर्गा संघाला. yes. तो ऍव्हरेज आतापर्यंत आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. नॉट हॅपी देअर इनसाइड एज लकी बाउंड्री वेलकम बाउंड्री टू जयदुर्गा. 9 without loss. Before these two matches between Jayadurga and Pioneer and both won by Pioneer. Agdi barobar yacha agoder ek samna zala hota, Pioneer sanghane jinkla hota. Ani ata matra ha samna apan pahata, ha ulta aplyala payala milel. Usama, the wicket taker bowler. This time try to yawk. The bottom of the bat ball is traveling to 3 point but they threw for 1. So 1-2 is score now, 10-4 wicket. I think this is the positive reply from Jayadurga because Prem to follow who played a terrific knock in first match, 46. Jagdish Naik to follow. Harikesh, 35 quick runs in previous match. अगदी बरोबर याच्या अगोदर प्रेम हरिकेश आणि जगदीश नाईक यांची चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली होती, मात्र एक चांगली सुरुवात एक जोरदार सुरुवात म्हणेल मी पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जयदुर्गा संघाची. या ठिकाणी आगमन होते सन्मान्य जी रामनजी गुळवी साहेब, आपला हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. उसामा अप टू द विकेट नाउ. दिस टाइम ब्यूटी फुलर लेंथ बॉल बी सीम आउटसाइड डी ऑफ स्टंप. फाइन डिलीवरी फ्रॉम उसामा. यस, उसामा इज द हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर सिंस फ्रॉम 3 सीजन. अगदी बरोबर. आप सलग 3 वर्ष चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला उसामा याचा. In this season, Usama get 2-time best bowler of the tournament and Bhavesh Pawar 3 times. This time put away on the onside, tucking nicely. Loosener from Usama. And that marks end of the first over. I think neck to net fight going on. Positive reply from Jayadurga. His score is 11. Ek over ki samapti 11 run bina kisi wicket ke. Yahan se
पांच ओवर बचे हैं, पांच ओवर में 53 रन। अगदी बरोबर, या ठिकाणी आगमन होते अपंग सहयोगी संस्थाचे अध्यक्ष सन्माननीय वसंतजी नाईक साहेब, आपलं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। पहिल्या षटकामध्ये ओसामाने 11 धावा दिलेल्या आहेत, कोणत्या प्रकारचा विकेट पडले नाहीये जयदुर्ग संघाचा आपण पाहतोय, विचार केला तर 10 ते 10 विकेट निश्चित सुरक्षित आहेत, इथून निश्चितच मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल, आणि प्रत्येक षटकाचा जर विचार केला तर देखना है गेंदबाजी में किसको बुलाया जा रहा है, मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऋषि पटेल जिन्होंने इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत कुछ डिपेंड करता है ऋषि पटेल पे, लेकिन जयदुर्गा की लंबी बैटिंग लाइनअप है, समय में कॉपरेट करें प्लीज पॉइनियर। अगदी बरोबर, वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे पॉइनियर स्पोर्ट्स संघाने, कारण की यानंतर निश्चितच 6 सामने आज तब्बल खेळवायचे आहेत आम्हाला। जर आपल्याला संपूर्ण संघ 6 षटकाचे खेळायचे असेल तर वेळेच्या बाबतीत सर्व संघाच्या कर्णधार लक्ष ठेवायचं आहे। मैं चव्हाण जो 2 पर खेल रहे हैं, अभी ने 9 रन बना रखे, आप देख रहे हैं रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 महाराजा छत्रपति शिवाजी क्रिकेट ग्राउंड भादवर से। जयदुर्गा संघासाठी ऑलवेज या संघाने शुभेच्छा दिल्या मयूर पाटील यांनी। गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषि पटेल, बहुत कुछ डिपेंड करता है ऋषि पटेल पे, मैंडेटरी पावर प्ले का 2रा ओवर, फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट थर्ड में एक गली है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है। ऋषि पटेल पहली गेंद फुल टॉस, तोहफा दे दिया, 6 रन। प्रभुदेवा टेक्सटाइल, गायत्री इंटरप्राइजेस, प्रोप्राइटर प्रभुदास मदन नाईक, देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार। ये देखिए, इससे अच्छी गेंद क्या मिल सकती है बैट्समैन के अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, विद द टाइट स्वंग कर दिया मैच चव्हाण ने, डीप वाइड स्मिथ विकेट पर 6 रन। ज्या प्रकारे फुलटा चेंडूचा पुरेपूर फायदा घेतला महेश चव्हाण यांनी बघितलं, फुलर लाईनचा चेंडू आहे आणि जसं चेंडू तसं उत्तर आपल्याला पाहायला मिळतंय। बिलकुल सही का आपने, जैसी गेंद वैसी नसीहत। 17 पे पहुंचा स्कोर, अब दानिश खोत आए हैं ऋषि पटेल के पास, उसामा आए हैं, जावेद आए हैं। देखिए पॉइनियर को अगर दबाव बढ़ाना है तो विकेट लेना होगी, क्योंकि हरिकेश ने कल जिस तरह बल्लेबाजी की, जिस तरह प्रेम ने बल्लेबाजी की, जिस तरह जगदीश नाइक ने बल्लेबाजी की, और तीनों का आना अभी बाकी। अगदी बरोबर, 10 विकेट सुरक्षित आहेत आपल्याला पाहायला मिळते, इथून विकेट घेणं गरजेचं असेल सिद्दीक बाबे सर पॉइनियर संघाला। एक बात कहूंगा, पॉइनियर है इतने आसानी से तो आपने देखा है कि पॉइनियर के मैचेस जाते भी नहीं है। ऋषि पटेल बहुत बढ़िया गेंद, कट करने की कोशिश, बल्ले के नीचे से निकल गई। चांगल्या गोलंदाजी निशाने आहे सिद्दीक बाबे सर, आपण बघितलं पहिला चेंडू फुलटा चेंडू टाकला होता, षटकार उसूल केला होता फलंदाज, त्यानंतर एक चांगली वापसी करतोय ऋषि पटेल। सूरज गोराटकर ने जयदुर्गा को ऑल द बेस्ट कहा है। ऋषि पटेल बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, अब अपने सुर और ताल को पड़ाप करते हुए मिश्रण कर रहे हैं गेंदों में। मित्र म्हणाला सिद्दीक बाबे सर लाइन जी आहे ती व्यवस्थित मेंटेन करताना आपल्याला पाहायला मिळते। ऋषि पटेल लेंथ आणि लाइन मध्ये गोलंदाजी होतोय, आता मात्र वापसी केली गोलंदाजाने। ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया, 6 रन। जैसे ही लेंथ से चूक गए महेश चव्हाण ने उसका फायदा उठाया, और महेश चव्हाण को भेजा भी तो इसीलिए। गायत्री इंटरप्राइजेस, प्रोप्राइटर प्रभुदास मदन नाईक, देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार। अगदी बरोबर, दणदणीत षटकार वसूल करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय महेश चव्हाण पूर्णपणे मॅच वर्सेस वर असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, जयदुर्गा संघाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय। सिद्दीक बाबे सर 2002 पासून जो क्रिकेट खेळलेला आहे जयदुर्गा संघाने, तोच क्रिकेट आपल्याला आज देखील पाहायला मिळतोय, खास करून महेश चव्हाण
याचा बॅट मधून दोन षटकार आतापर्यंत उसूर करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. देखिए महेश चव्हाण को ऊपर इसलिए भेजा है, चला तो मटका नहीं तो झटका, हालांकि अच्छे ऑलराउंडर हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे. अब पाइनियर की कठिनाइयां बढ़ती भी क्योंकि 23 रन पे कोई भी विकेट नहीं गिरा है. या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालेले भिवंडी तालुका युवा सेना उपतालुका प्रमुख एक उत्कृष्ट क्रिकेटर आतिशजी भांबरे, आपला हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. देखिए भादौर के क्रिकेट ग्राउंड पे मैंने अक्सर देखा है कि टॉस सुबह के सत्र का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और उस टॉस को जीता इस वक्त जय दुर्गा ने और सही फैसला किया था उन्होंने. अगदी बरोबर आहे, टॉस इम्पोर्टेंट आपल्याला पाहायला मिळतोय जयदुर्गा संघासाठी. त्याचं लक्ष आपण जर विचार केला 64 धावांचा जो लक्ष आहे तर लक्ष्याचा पाठलाग करता आतापर्यंत 23 धावा आणि पॉइंट संघाचे निश्चित 18 धावन 4 गडी बाद झाले होते सिद्दीक बाबे सर. म्हणजे याचा अर्थ की जयदुर्गा संघाने आतापर्यंत चांगला क्रिकेट खेळलेला आहे. गेंदबाजी के लिए ऋषि पटेल को लगा है, ऋषि पटेल कंटिन्यू है, चार गेंदों में दो डॉट और दो सिक्सर दे चुके हैं. इस मरतबा मोड़ दिया है, बढ़िया फील्डिंग, थोड़ा थ्रम्बल किया, रन पूरा किया बैट्समैन ने. जुल्फिकार थे स्क्वाड एक अंपायर के करीब में, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 24 पे पहुंचा है 24. अतिशय चांगली सुरुवात पाहायला मिळते जयदुर्गा संघाची. पॉवर प्लेच लुटमाट करताना आपला पाया मिळते खास करून महेश चव्हाण आणि अवी. कुठेतरी आपण पाहतोय थोडस वेल घेतला जातोय पॉइंट स्पोर्ट संघाकडून, थोडस चिंतित पाहायला मिळतंय. ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा ऑफिस टॉस खेला है, गैप में बहुत खूबसूरत शॉट, चार रन. सुमित लॉजिस्टिक प्रोप्रायटर सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत चौकार. या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आलेले आहेत कैलास मोहन नाईक यांच्याकडून, विशेषतः करेश म्हात्रे याला हार्दिक स्वागत आहे. कैलास नाईक तसेच रामघरत लोणाड यांच्याकडून देखील या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेले आहेत. धन्यवाद रामघरत. स्कोर आहे दो ओव्हर की समाप्ती के बाद 28 रन. अगले दो ओव्हर में क्या होता है याही सुनते हैं संदेश. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. दौर की समाप्ति, कुल रन संख्या 28 रन, बढ़िया शुरुआत जय दुर्गा टीम की. अठ्ठावीस धावा दाबल कर पाते अपन इतना पूर्णपने तैयारी असेल पॉनर स्पोर्ट्स संघाची मैच मध्ये वापसी करण्याची, कारण की 64 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 28 धावा, एक जोरदार सुरुवात पाहायला मिळतोय. अजूनही 10 विकेट जे आहे सुरक्षित आपल्याला पाहायला मिळतात जयदुर्गा संघाचे. येणाऱ्या फलंदाजामध्ये जगदीश नाईक, हरिकेश आणि प्रेम येणारे फलंदाज असणार आहेत यानंतर. मात्र ही सलामीची जोडी जी आहे एक चांगली कामगिरी पाहायला मिळतंय. आलेल्या सर्व तमाम खेळाडूंचं मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे. मान्यवर उपस्थित मान्यवरांचं मी मनस्वी हार्दिक स्वागत करते. रॉटरी प्रेसिडेंट कप 2019 टॉस करण्यासाठी जे कर्णधार येतात त्यांनी जागेवर आपण जे चेंडू आहे चेक करून जायचं आहे, अथवा ग्राउंडमध्ये जर सलामीची जोडी उतरली तर दोन चेंडू दिले जातील, टॉस बॉक्समध्ये तीन चेंडू चेक करण्यासाठी दिले जातील, हे लक्षात ठेवा आपण. ओसामा कंटिन्यू सामने गॅलरीकडून. आता मात्र पहिल्या चेंडूवर पाहतोय आपण हवाई मार्ग जाण्याचा प्रयत्न, फाईक चेंडू खाली कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाही आणि ज्या ब्रेक थ्रो ची गरज होती तो ब्रेक थ्रो मिळून देतोय गोलंदाज ओसामा. देखिए इतिहास उठा के देखिए ओसामा ही ऐसे गेंदबाज है जो संदीप रमणीयर को हमेशा ब्रेक थ्रो देते. नेहमी विकेट टेकर गोलंदाज राहिलेला आहे हे पाहू शकता आपण. ऍक्शन रिप्ले मध्ये दाखवलं जात आहे, खूप हवेमध्ये होता चेंडू आणि फाईक कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाही आणि एक मोठा विकेट महेश चव्हाण बाद होतोय. बडा विकेट गिरता हुआ महेश चव्हाण ने
इस वक्त आउट होने से पहले 15 रन बनाए और उसामा ने आखिरकार साबित कर दिया है कि वो पायनियर के विकेट टेकर गेंदबाज है, भिवंडी क्रिकेट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। लेकिन यहाँ से भी पायनियर का कुछ अच्छा भला रोल नहीं है, यहाँ से आपको गुच्छों में विकेट लेना होंगे जब जयदुर्गा पे आप दबाव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम आकलन करें तो इस वक्त जयदुर्गा की जो पोजीशन है वो ऊपर है। अगदी बरोबर, नवीन फलंदाज येतो खेळपट्टीवर, प्रेम येतोय। 45 धावांची इनिंग आपण बघितली होती ओसामा, पुन्हा एकदा आपण पाहतो ऑफ स्टंप चेंडू, वेगवान गतीचा चेंडू, सरक्षक मतीन याच्या हातामध्ये तो निर्धाव चेंडू। आता मात्र पूर्णपणे वापसी होते पॉइंट स्पोर्ट संघाची मॅच मध्ये, सिद्दीक बाबे सर ज्या प्रकारची गोलंदाजी होते ओसामाची, विकेट टेकर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहे। शान नाईक गॅलरी इन कर राईट आर्म ओव्हर द विकेट ओसामा, शॉर्ट थर्ड मॅच, शॉर्ट फाईन लेग, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग, लॉंग ऑन लॉंग अप, एक्स्ट्रा कव्हर आणि पॉइंट डीप मध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। पुन्हा आपण पाहतोय एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता ऋषियाने, एका ऍक्शन मध्ये पकडला होता आणि एका ऍक्शन मध्ये थ्रो केला होता। बॉल बॉल बच गए वहां पे बॅट्समॅन, अगर गेंद स्टंप से लगती तो ये देखिए टर्निंग विथ द कॉर्नर, इसकी शॉट खेला था, बढ़िया फील्डिंग, बच गए वहां पे बॅट्समॅन। अगदी बरोबर, ऋषी पटेल याचा जर डायरेक्ट हिट झाला असता एक निश्चितच सवाल उठला असता आपल्याला पाहायला मिळाला ओसामा फ्रंट मोर द विकेट। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय हलक्या त्याने फक्त चिप केलेला आहे चेंडू, आता मात्र जातोय शॉर्ट कव्हरवर जातोय, स्वतः गोलंदाज चेंडूला अडवतोय, तोपर्यंत एक धाव मिळतोय। आता थोडस सिद्दीक बाबे सर शांत क्रिकेट पाहायला मिळतोय, खास करून जयदुर्गा संघाकडून ज्या प्रकारे दोन षटकांमध्ये हल्ला बोल केला होता फलंदाज महेश चव्हाण याने, गोलंदाजी करताना गोलंदाज आपण पाहतोय ओसामा विकेट टेकर गोलंदाज, आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा दिल्या होत्या, त्यानंतर ऋषी पटेलने 17 धावा दिल्या होत्या, आता मात्र फक्त 2 धावा दिल्या 4 चेंडू मध्ये ओसामा राईट आर्म ओव्हर द विकेट। आता मात्र आपण पाहतोय ऑफ स्टंप चेंडू, ऑन साइड क्षेत्र निवडला होता मात्र चेंडूवर आणि बॅटचा समावेश नाही आपल्याला पाहायला मिळते, निर्धाव चेंडू, एक चांगली गोलंदाजी। देखिए बड़े जब गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं तो वापसी कितनी अच्छी करते हैं, ओसामा ने ऋषी पटेल के ओवर को कवर कर दिया है। अगदी बरोबर, कारण की 17 धावा खर्च केले होते ओसामा। श्याम नाईक गेले इनकड राईट आर्म ओवर द विकेट, सामना करतो फलंदाज आवी। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मोठा फटका बॅट मधून, मात्र ताकत कमी फटक्या मागे, मात्र तितकीच चांगली झेल पाहायला मिळते दानिश याच्याकडून। बिलकुल कहां छूटे दानिश खोज से कॅच, खूप मोठा विकेट पडतोय जयदुर्गा संघाचा आपण पाहतोय। आवी हा फलंदाज बाद होते आणि मतोपूरक एक झेल टिपतोय तिथे दानिश। नवीन फलंदाज वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाही घेतोय खेळपट्टीवर, पूर्णपणे वापसी करताना या षटकामध्ये 3 षटकाची समाप्ती, धावसंख्या 30 धावा, अस्किंग रन रेट आता मात्र थोडासा वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। या षटकामध्ये फक्त 2 धावा आणि 2 विकेट प्राप्त केलेले आहे, 3 ओवरची समाप्ती, 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पे जयदुर्गा। नए बल्लेबाज जगदीश नाईक वंडर ऑफ भिवंडी। का टारगेट है 64 रनों की चुनौती रखी है पाइनर ने और अब ओसामा ने बढ़िया गेंदबाजी की है। वेलकम अभिलेश, आपका हार्दिक स्वागत है। जयदुर्गा संघाला योगेश म्हात्रे अर्थात नाना याने शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि मच्छिंदर नाईक मॅचचा आनंद घेत आहेत लाईट लीगच्या माध्यमातून, आपला देखील मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे। गोलंदाजीसाठी फाईक याच्या हातामध्ये चेंडू दिलेला आहे, पाहूया फाईक कोणत्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय आणि वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक कोणत्या प्रकारची सुरुवात करतोय। व्यासपीठावर आगमन होते हरिभक्ती पारायण श्री तात्या महाराज नाईक, आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम आमच्या मान्यवर, आम्हाला जुडतायत, आपलं मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे। मॅच कडे जाऊया आपण, खूप रंगतदार असा सामना आपण पाहतोय, 6 ओव्हर में 64 रनों का टार्गेट रखा है पॉइंटर ने और अब तक 30 रन बन चुके। समय के बारे में प्लीज दोनों टीम के कैप्टन्स आपको भी ध्यान में रखना है,
खास तौर पर पॉइंटर किट कैप्टन काफी समय लिया जा रहा है पॉइंटर टीम के लिए ऑफिशियल कॉल है आपको पॉइंटर ऑर्गेनाइज कमेटी हमें अनाउंसमेंट करने के लिए बोल रहे कि आपको जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करना है तीन ओवर के लिए समय बचा है आपके पास 13 मिनट का समय बचा है पॉइंटर 18 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 34 रन दूर है 34 अभी भी फाइव की पहली गेंद काफी रफ्तार भरी गेंद थी लॉन्ग लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई एक रन बनता इस गेंद के ऊपर और खाता खुलता हुआ जगदीश नाइक वंडर ऑफ भिवंडी का सामने अब बल्लेबाज होंगे प्रेम जिन्होंने पहले मैच में 45 रनों की पारी खेली थी अपने टीम के लिए यहां से बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी फाइव को और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे सामने बल्लेबाज प्रेम राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से मारने की कोशिश गेंद जमीन के सारे मिड विकेट क्षेत्र में जावेद गेंद को जब तक उठाते तब तक एक रन बनाने की मुबा थी वहां पे एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे 32 रन 32 रन अब तक हो चुके और 2 विकेट खो चुके जय दुर्गा फाइक फिर से एक बार आरके पाटिल स्टैंड एन से जाते हुए सामने होंगे जगदीश नाइक यहां से अब हाथ खोलने होंगे जगदीश नाइक को अभी भी जीतने के लिए 32 रन दूर है हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हमें 16 गेंदों में ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी मारने की कोशिश की थी बैट का अंदरूनी किनारा बढ़िया फील्डिंग मतिन द्वारा एक रन बनता हुआ जहां पे रन नहीं था वहां पे रन चुराते हुए जगदीश नाइक 15 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 31 रन दूर है जय दुर्गा फिर से एक बार जुड़ते हुए कमेंटरी बॉक्स में सिद्धिक भाबे सर इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी फाइक द्वारा अब तक 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए फाइक ने फिर से एक बार मुड़ते हुए फिर से एक हवा में गेंद जावेद गेंद के नीचे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए ये मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है हालांकि जावेद ने इसी तरह का कैच पिछले साल फाइक का पकड़ा था भागते हुए मापोली क्रिकेट धमाका में राइट गेंद उनके हाथों में आ गई थी और जब आपके हाथों में गेंद आ जाती है तो कैच कहां जाता है ये देखिए रिकोशेज होती भी 6 रन ज्यादा वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खड़े थे और शॉट को थोड़ा सीधा खेला था प्रेम ने लगभग कैच हाथों में आ चुकी थी सिद्धिक भाबे सर लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर हाथ को लगकर गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर बढ़िया कोशिश मैं कहूंगा जावेद की फाइक फिर से एक बार प्रेम के लिए अब ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई अंबर का इशारा था वाइट एक्स्ट्रा की मदद जय दुर्गा के लिए रन संख्या 40 रन सिद्धिक भाबे सर यहां से अब अभी भी 24 रन दूर है देखिए मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है मुकाबले में काफी जान बाकी है और टेनिस क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है राइट सिद्धिक भाबे सर लेकिन यहां पे फाइक गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट आरके पाटिल स्टैंड एन से फिर से मारने की कोशिश की थी पूरी तरह बल्ले भी नहीं गेंद जब तक जावेद गेंद को फील्ड करते हुए मिड विकेट क्षेत्र में तब तक एक रन बनाया वहां पे बल्लेबाज प्रेम ने स्ट्राइक पे अब वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक इस गेंद पे विकेट या जयदुर्गा के बल्लेबाज जगदीश नाइक के बल्लेबाजी भेजने का जो गेम प्लान है वो बहुत सही है जो बैट्समैन फॉर्म में उनको ऊपर भेजा जा रहा है फाइक फिर से बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद जाती हुई एक रन लिया वहां पे जगदीश नाइक ने दूसरा रन लेने की कोशिश खतरा हो सकता है लेकिन धीमा थ्रो पहुंचता हुआ और इसी के साथ 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज जगदीश नाइक तो कुल 4 ओवर की समाप्ति रन संख्या 43 रन आइए अगले 2 ओवर के लिए सिद्धिक भाबे सर को सुनते हैं बहुत बहुत धन्यवाद संदेश पाटिल इस वक्त रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 की सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है केसी करेश
क्रिएशन और करेश मात्रे, भिवंडी रोटरी क्लब ग्रामीण आयोजित ये शो आप देख रहे हैं। वीआईपी डाइस पे अशफाक पनवेलकर साहब, दीगर मेहमान देखे जा रहे हैं और पीछे की रो में प्रिंस ऑफ भादवड़ और थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट युवा सेना या पाहू शकता प्रभुदास नाईक जी, ऍडव्होकेट गोरखनाथ मात्रे साहेब यांना दाखवलं जात आहे। तात्या महाराज संदेश, दोन मिनिटं आपल्याकडे वेळ आहे, आपण व्यासपीठाकडे वळायचं आहे। या ठिकाणी व्यासपीठावर विराजमान आमचे गावातील ज्येष्ठ नागरिक सन्माननीय राजाराम पाटील साहेब, आपला त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करेश मात्रे आपल्याला करतोय। आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करून घ्यायचंय। आमच्या गावातील ज्येष्ठ नागरिक मान्य श्री राजाराम पाटील आपण व्यासपीठावर पाहतोय। मान्य श्री राजाराम पाटील साहेब यांचा स्वागत आणि सन्मान होतोय। आमच्या गावातील आमचे मित्र मान्य श्री नरेशजी तरे याचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी करेश मात्रे याला करतोय। सुस्वागतम सुस्वागतम आलेल्या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं करेश क्रिएशन रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी रुलर यांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय अनिलजी तरे यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती अजय पाटीलांना करतोय। आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा स्वागत आणि सन्मान करून घ्यायचंय। आपण पाहताय अनिल तरे यांचा स्वागत आणि सन्मान होतोय। अजय पाटील यांच्या शुभ हस्ते व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय हरिभक्त पारायण तात्या महाराज नाईक यांचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी करेश मात्रे याला करतोय। आपल्या निश्चित शुभेच्छा येतात या स्पर्धेसाठी, खास करून कैलास पाटील यांना विनंती करतोय। आपल्या शुभ हस्ते तात्या महाराज नाईक यांचा स्वागत आणि सन्मान करायचंय। दो ओवर में 21 रन चाहिए, डू और डाई, ये ओवर दोनों टीमों के लिए करो और मरो का ओवर है। गेंदबाजी के लिए यही कारण है ऋषि पटेल को लगाया गया और ऋषि पटेल 2019 का ओवर उनके हाथ में दिया है जहां पे उनके लिए भी करो और मरो की स्थिति है। देखना है मतीन विकेटों से छिपके हुए हैं। शॉर्ट टर्म पे जिलानी, शॉर्ट फाइन लेग पे आशीर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा छोटी बैकलिप से सीधा ड्राइव लॉन्ग ऑन पे बढ़िया फील्डिंग फाइक की एक रन। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रोटरी कमेटी का कहना है कि समय में पॉइनियर आपको सहयोग करना है, आपके 8 मिनट बचे हैं दो ओवर के लिए। ग्यारह गेंदे 20 रन, चेसिंग कंपलसरी है। बढ़िया गेंद, आम बॉल थी जिसको समझ ही नहीं पाए, रॉन्ग वन क्रिकेट में जिसे कहते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज की। चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ऋषी पटेल याला, पुन्हा एकदा कंटिन्यू ठेवलेल्या कर्णधाराने सदिक बाबे सर 17 धावा खर्च केले होते ऋषी पटेल यांनी, मात्र एक चांगली जिम्मेदारी पुन्हा एकदा पाहायला मिळते। नाही, वो मेन फ्रंट लाइन बॉलर है। बहुत खूबसूरत गेंद, फिर से बीट किया जगदीश नाईक को, क्रीज बॉक्स से खेले थे। अब हर गुजरती गेंद के साथ मैच का जो क्लाइमेक्स है वो ऊपर जाता हुआ। 9 गेंदे 20 रन, ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए। फुल टॉस गेंद पुट किया हवा में, बहुत बढ़िया कैच जावेद का, जगदीश नाईक आउट। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्रायटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। अतिशय जबरदस्त आपल्याला झेल पाहायला मिळतोय, जावेद याने झेल पकडलेला आहे आपण पाहतोय। आणि विकेट टेकर गोलंदाज ऋषी पटेल पुन्हा एकदा फॉर्म मध्ये गोलंदाजी मध्ये पाहायला मिळते सिद्दीक बाबे सर। देखिए अच्छी सोच थी वहां कप्तान अशीर की, क्योंकि ऋषि पटेल ही उनके मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं।
पहला ओवर उनका महंगा रहा था, उन्हीं पे विश्वास किया और पिछली चार गेंदों पर उन्होंने एक रन दिया और एक विकेट लिया। आणि तो देखील जगदीश नाईक याचा विकेट घेतलेला आहे। थोडस दबाव पाहायला मिळतोय आता मात्र जयद्रुका संघावर आपल्याला पाहायला मिळतोय। 64 धावांचा पाठलाग करताना नए बैट्समैन हरिकेश बल्लेबाजी को आए, कल बहुत ही धमाकेदार बारी खेली थी, 35 रन बनाए थे हरिकेश ने। रुचि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मार दबाओ, हाफ चांस रॉकेट कैच, इस तरह के जो कैचेस रहते वो लिए नहीं जाते, हाथों में चिपक जाते हैं। अगदी बरोबर, आणि असे झेल जे आहे सिद्दीक बाबे सर हातामध्ये येत नाही, मात्र हातामध्ये अटकतात असं मी म्हणेल मराठी मध्ये। देखिए हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेला था वहां पे बैट्समैन ने, कोशिश बढ़िया, सात गेंदे 20 रन, ये पॉइनियर है, मैंने पहले ही कहा था। अगदी बरोबर, ओ फ्लेक 6 रन, एक खराब गेंद, ओवर का मजा किरकिरा, मैच में वापसी जय दुर्गा की। प्रभुदेवा टेक्सटाइल गायत्री इंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर प्रभुदास मदन नाईक देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार। कौन भूल सकता है मेयर कप 2004 के उस मैच को जो पायनियर बनाम जय दुर्गा खेला गया था, और उस वक्त ऐसा था कि पायनियर चेसिंग कर रही थी और मुकाबला बराबरी पे छूटा। रीमैच दो दो ओवर का जो हुआ था वो जयदुर्गा ने ना केवल जीत लिया बल्कि कप को भी जीत लिया था। क्या बात है, मतलब इतना तसच चित्र पाहायला मिळतं सिद्दीक बाबे सर। शेवटच्या चेंडूवर ऋषी पटेल याच्या गोलंदाजीवर आपण पाहतोय, प्रेम याच्या बॅट मधून निघणारा हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। आता मात्र 6 चेंडू आणि विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता असणार आहे। रोटरी प्रेसिडेंट कप ने मोड ले लिया है, यहां से गेयर बदल गया है और मैचेस अब बहुत ही कट टू कट हो रहे हैं। चेसिंग कंपलसरी है क्योंकि आपको ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत दी गई है, सुमित पाटिल स्पॉन्सर। व्यासपीठ विराजमान सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचे हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। आज विशेष अतिथि म्हणून आपल्यामध्ये उपस्थित सन्माननीय गौतम जी ठक्कर साहेब, असिस्टंट गवर्नर रोटरी क्लब, तसेच आनंद जी घाटे साहेब, जिल्हा सेक्रेटरी रोटरी क्लब आपलं, तसेच या ठिकाणी उपस्थित गोरखनाथ जी म्हात्रे साहेब ऍडव्होकेट चेअरमन नागरिक बँक, आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम सुस्वागतम। भिवंडी क्रिकेट की जीत होती भी, BC4 क्रिकेट की जीत होती भी, और हम कह सकते हैं कि इस वक्त रोटरी प्रेसिडेंट कप की जीत होती भी। अगदी बरोबर, ज्या प्रकारचा हा सामना सुरू आहे सिद्दीक बाबे सर, 6 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता असेल, आणि पॉइनर संघाने प्लीज आपण आपलं शतरक्षण लावायचं आहे। पॉइनर प्लीज, खूप वेळ झालेला आहे सिद्दीक बाबे सर, तब्बल सारे आकडा आता वाजण्याच्या मार्गावर आहे। जब तक गेंद बदली जाती है पॉइनर आपको अपना फील्ड सजाना है। तसेच व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय जगदीशजी पाटील आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। आपण पाहताय क्राऊड थोडा शाम नाही, गॅलरी मध्ये प्रेक्षक जमतात, आपल्या सर्वांचं मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे। आरके पाटील स्टँड मध्ये देखील आपल्या प्रेक्षक पाहायला मिळत आहेत। एक ओव्हर और 14 रन, डू और डाय, दोनों टीमों के पास एक ही रास्ता। अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे सर, इथून गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू दिले कर्णधाराने, साहेबान फक्की आहे गोलंदाज, बहुत ही महान ऑलराउंडर है टेनिस क्रिकेट के साहेबान फक्की। रणनीति को बदल दिया गया है, साहेबान फक्की बनाम जय दुर्गा। अगदी बरोबर, आणि दोन फलंदाज असे सिद्दीक बाबे सर ज्याने परवा दिवशीचा जो दिवस होता तो गाजवला होता, प्रेम आणि हरिकेश। यस, 45 प्रेम ने बनाए थे और 36 हरिकेश ने बनाए थे। हरिकेश मेन फ्रॉम शेलार, साहेबान फक्की राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, शॉर्ट फाइन लेग पर ऋषि पटेल ने गेंद को उठाया है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, बहुत खूबसूरत गेंद, पैरों में निशाना रखा था, 5 गेंदे 13 रन, चेसिंग कंपलसरी है।
अगदी बरोबर ड्रेसिंग दिलेले आहे आपण पाहतोय सुमित पाटील नगरसेवक यांनी दिलेली आहे अतिशय कलरफुल ड्रेसेस आपण पाहतोय आणि रंगतदार हा सामना आपण पाहतोय कशमकश काटे की टक्कर हा आपण पाहतोय चुरस दोन्ही संघामध्ये चुरस पाहायला मिळतोय पाच चेंडू आणि 13 धावा प्रेम खेळपट्टीवर आहे स्ट्राइक वर आहे प्रेम पॉइंट को अंदर अब बुलाया गया और फाइन लेग को पीछे भेजा जा रहा है प्लीज वेलेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं पॉइंट स्पोर्ट संघाने पांच गेंदे 13 रन कुछ भी हो सकता है कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है साहबान फक्की प्रेम को लॉब कर दिया लॉन्ग ऑन पे 6 रन जूसी फुल टॉस गेंद कर बैठे थे साहबान फक्की और प्रेम ने उस गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन पे 6 रन और क्या मुकाबला हो रहा है सिद्दीक बाबे सर प्रेम के बल्ले से निकलता हुआ यह प्रोप्राइटर प्रभुदास मदन नाईक देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार अब हम कह सकते हैं कि इस सिक्सर ने मैच को थोड़ा सा झुका दिया है हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है प्रेम टीम के कैप्टन है और कप्तान की इनिंग खेल रहे हैं अब तक कुल मिलाकर 3 सिक्सर लगाए हैं और 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 45 रनों की इससे पहले अच्छी बारी खेली थी उन्होंने रुचि पटेल आए हैं साहिबान फक्की के पास 4 गेंदों में 7 रन रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी ग्रामीण की जीत होती भी BC4 के क्रिकेट की जीत होती भी भिवंडी क्रिकेट की जीत होती भी और रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 की जीत क्या मुकाबला आप देख रहे हैं क्या मैं गलत कहता हूं कि पायनियर जब भी खेलती है वो टूर्नामेंट में 4 चांद लग जाते हैं धीमी गेंद मैदान के बाहर 6 रन धीमी गेंद जरूर करने कई होंगी लेकिन ऐसी नहीं जो गिफ्ट दिया वहां पर और प्रेम ने गेंद को भेज दिया 1 रन चाहिए कंपलसरी 3 गेंदों पर अगदी बरोबर एका धावाची आवश्यकता असणार आहे जयदुर्ग संघाला इससे पहले दोनों टीमों के बीच में 2 मुकाबले हुए थे और दोनों मुकाबले पायनियर ने जीते थे ये तीसरा मुकाबला है इस सीजन में इस ग्राउंड पे ये दूसरा मुकाबला है जेबी कप के पहले मैच में जयदुर्गा को शिकस्त दी थी पायनियर ने 1 रन ये बचाना होगा यहां से अगर मैच को जीतना है तो धीमी गेंद की थी जूसी फुलटॉस गेंद थी हालांकि साहिबान फक्की आम गेंदबाज है और उनकी गेंदें स्किट होती है अगर वो गेंदों को पिच करते हैं तो लेकिन उन्होंने गेंदों को पिच कहीं भी नहीं किया अगदी बरोबर 3 चेंडू मध्ये एका धावाची आवश्यकता असणार आहे आणि स्ट्राइक वर फ्रेम साहिबान फक्की राइट आर्म ओवर द विकेट इस मरतबा लॉब कर दिया 6 रन इस मैच को जीत लिया है जय दुर्गा स्पोर्ट्स ने कांग्रेचुलेशन कैप्टन प्रेम जगदीश नाईक हरिकेश 8 लाख अल्ताफ बाली सर 8 लाख पायनियर 8 लाख दी कैप्टन आशीर अंसारी क्या बल्लेबाजी किए कैप्टन नॉक 34 रन नट आउट बनाए सिक्सर के हैट्रिक के साथ क्या बात है प्रेम मैन ऑफ द मैच प्रेम अतिशय जबरदस्त मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है प्रेम क्या बात है अतिशय सुंदर अशी बैटिंग मैन ऑफ द मैच साठी प्रेम आपण व्यासपीठावर रहायचे आम्हाला मॅन ऑफ द मॅच साठी जे निश्चितच ट्रॉफी देण्यात आलेली आहे ती सन्माननीय जे के म्हात्रे साहेब गुंदवले यांच्या माध्यमातून टी शर्ट्स आणि रोटरी क्लबचं कॅप आतापर्यंत सन्माननीय प्रमोदजी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलंय मिठाईचा बॉक्स एक प्रसिद्ध प्रेम आपण मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचंय या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत प्रेम याच्यासाठी वसंत नाईक गोरखनाथ म्हात्रे साहेब नागरिक सहकारी बँकेचे चेअरमॅन तसेच
ऍडव्होकेट आहेत आदरणीय दादा यांच्या वतीने प्रेम याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद. आणि लगेच आपण शत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. सामना लगेच चालू होईल. 8 लाख पॉइंटर प्रेम आपण लगेच यायचं आणि ओ टू जगन्नाथ नाईक. धन्यवाद संदेश. प्रेम अतिशय सुंदर अशी खेळी गेलेली आहे. आपण लगेच व्यासपीठावर यायचंय. प्रेम या ठिकाणी आगमन होत आहे. सन्मान्य गुरुनाथजी तरे साहेब आपला हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. प्रेमेला प्रथम ट्रॉफी देतील सन्माननीय गौतमजी ठक्कर साहेब असिस्टंट गव्हर्नर ऑफ रोटरी क्लब यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहू शकता व्यासपीठावर. मी विनंती करतोय आनंदजी घाटे साहेबांना जो मिठाईचा बॉक्स आहे दिनेशजी चौधरी यांच्या माध्यमातून आलेला आहे प्रेमेला द्यायचं आहे. मी विनंती करतोय जगदीशजी पाटील साहेब रोटरी क्लबचे सदस्य त्यांना टी शर्ट देण्यासाठी. मी विनंती करतोय सन्माननीय गोरखनाथजी म्हात्रे साहेब गिफ्ट टेम्पर द्यायचं आहे. मी विनंती करतोय हिरामनजी गुळू साहेब यांना सनग्लासेस अजय पाटील विपुल पाटील यांच्या माध्यमातून. गोरखनाथजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते त्यांनी 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक प्रेमेला दिलेलं आहे आणि आपण गिफ्ट टेम्पर द्यायचंय जे दिलंय विश्वनाथ कृष्ण नाईक साहेब शिवसेना विभाग प्रमुख यांच्या माध्यमातून. मी तात्या महाराज नाईक यांना विनंती करतोय कॅप द्यायचे प्रेमेला ती कॅप परिधान करायचे जे दिलंय प्रमोदजी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. अतिशय सुंदर अशी खेळी प्रेमाची. ऑल टू संदेश पाटील. अनेक अनेक धन्यवाद. तर्पण जाऊया मैदानावर. ज्या प्रकारे हा सामना सुरू होणार आहे एस पी दापोडे विपक्ष आपण समयरा स्पोर्ट सरवली पाडा तर शेतक्षण लावून घ्यायचे. देखिए सुनील पवार ये मॅच भी बहुत बॅलेन्स मॅच आहे. दोनों टीमों की जो ताकत है वो बराबर की है. सर आपण वळतोय व्यासपीठावर. या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय गौतमजी ठक्कर साहेब एक मेगा सत्कार करतोय. आपण या ठिकाणी उपस्थित या स्पर्धे